नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आइए बढ़ते खबरों की ओर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पेड़ लगाओ हरियाली लाओ के संकल्प के साथ सोमवार को पौराणिक मंदार पर्वत के परिक्रमा पथ पर दिग्विजय मंदार मैराथन का भव्य आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें कई राज्यों से आए सैकड़ों महिला पुरुष धावकों ने भाग लिया। प्रतिस्पर्धा की शुरुआत सुबह के पर्यटन, श्रम एवं खनन मंत्री जीवेश मिश्रा, जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह, बेलहर विधायक मनोज यादव, अमरपुर विधायक जयंत राज एवं पूर्व सांसद पुतुल कुमारी ने गुब्बारा उड़ा और धावकों की हरी झंडी दिखाकर पुरुष प्रतिभागियों को मंदार पर्वत परिक्रमा पथ को दो बार चक्कर लगाना पड़ा। वहीं महिलाओं की प्रतिस्पर्धा में एक चक्कर लगाना था। प्रतिस्पर्धा में अव्वल आने वाले को विजेता घोषित किया गया। पुरुष वर्ग में बिहार के नवादा जिले के कृष्णा कुमार प्रथम, नाथनगर भागलपुर के रमन राज द्वितीय एवं बलिया यूपी के ईश्वर चंद्र वर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं महिला वर्ग में मिर्जापुर की तामसी प्रथम, भागलपुर की खुशी द्वितीय तथा बक्सर की प्रतिमा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को सूबे के पर्यटन, श्रम एवं खनन मंत्री जीवेश मिश्रा एवं अन्य अतिथियों के द्वारा चेक और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। प्रथम पुरस्कार के रूप में 21,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 11,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपये का चेक और ट्रॉफी विजेताओं को दी गई। इसके साथ ही मैराथन में शामिल सभी धावकों को सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया। इस अवसर पर सूबे के मंत्री जीवेश मिश्रा सहित अन्य अतिथियों ने मंदार क्षेत्र में पौधेरोपण का भी कार्य किया। कार्यक्रम का संचालन देवाशीष उर्फ निपू पांडे ने किया। इस अवसर पर बांका के SDO मनोज कुमार चौधरी, SDPO दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, भाजपा के जिला अध्यक्ष विकास सिंह, पूर्व विधायक जनार्दन मांझी, भाजयुमो के जिला अध्यक्ष रंजीत यादव, जिला परिषद रणवीर यादव, जिला परिषद विजय किशोर सिंह, राहुल डोकानिया, विश्वजीत सिंह, दिगंबर मंडल, संजीव भगत, अंजनी चौधरी, कौशल कुमार, निखिल बहादुर सिंह, नजराना परवीन, राजीव सिन्हा, राजू सिंह सहित बड़ी संख्या में आयोजन से जुड़े सदस्य, NDA के कार्यकर्ता और दर्शक मौजूद रहे। आयोजन को सफल बनाने में DS फाउंडेशन, गिद्दौर फाउंडेशन, आसरा इंटरनेशनल क्लब बौसी, लायंस क्लब बौसी, ग्रामीण विकास समिति बांका सहित अन्य संगठन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बांका जिले में अपराध की घटना चरम पर पहुंच गई है। मानो पुलिस का इकबाल ही समाप्त हो गया। आए दिन जिले के किसी न किसी क्षेत्र में अपराधी घटना को अंजाम देने में सफल होकर पुलिस को खुली चुनौती पेश कर रहे हैं। ताज़ा मामला रजौन प्रखंड मुख्यालय स्थित बाजार का है, जहां हथियार से लैस 4 से 5 की संख्या में आए अपराधियों ने भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया है। रजौन बाजार स्थित विमल पौदार नामक एवं स्वर्ण व्यवसायी के घर पर धावा बोलकर 40 से 45 लाख कीमत के सोना व चांदी और 5 लाख नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही SDPO दिनेश चंद्र श्रीवास्तव सहित अन्य पुलिस अधिकारी रजौन पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। फिलहाल पुलिस का हाथ खाली है। गरम बंद कर दलकों, सबका गरम बंद करी का छिटकिनी चढ़ा दलकों बनी उनी का, तो बाहर निकल लो ऐसे कर निकल लो। बांका जिले के बौसी थाना क्षेत्र अंतर्गत मंदार हिल दुमकर रेलखंड पर पांडे टोला होल्ड के समीप मालगाड़ी की चपेट में आकर एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। मृतक की पहचान झारखंड के पौरैया हाट थाना क्षेत्र अंतर्गत रतनपुर गांव निवासी कैलू दरवे की 62 वर्षीय पत्नी मोमबत्ती देवी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने बौसी थाना को दी है। जानकारी के अनुसार कैलू दरवे अपनी पत्नी मोमबत्ती देवी के साथ अपने गांव रतनपुर जाने के लिए पांडे टोला स्टेशन आ रहे थे। महिला की देखने और सुनने की क्षमता कम होने के चलते घने कोहरा के चलते महिला को सामने की ओर से आ रही मालगाड़ी का कुछ पता नहीं चल सका। मालगाड़ी के होने की आवाज़ भी कानों तक नहीं पहुंची। जब तक कोई कुछ समझ पाता, महिला की साड़ी मालगाड़ी की चपेट में आ गई और घिसटते हुए होल्ड के पास गिर गई। घटना के तुरंत बाद ही बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। थाना अध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने बताया कि महिला के पति व अन्य परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं कराने का आग्रह किया। वरीय अधिकारियों को जानकारी देने के बाद सब परिजनों को सौंप दी गई। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के कंझिया गांव में रविवार की संध्या अचानक पुआल की पुंज में आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का पुआल जलकर राख हो गया।
घटना को लेकर पीड़ित राधे यादव ने बताया कि 22 बीघा की जमीन पर धान की फसल लगाई थी। फसल कटाई के बाद 40,000 पुआल की पुंज बनाकर घर के समीप रखा था। रविवार की संध्या अचानक पुआल की पुंज से धुआं उठने लगा। जब तक कुछ समझ पाते पुंज में लगी पुआल धू धू कर चलने लगा। शोर मचाने के बाद आस पड़ोस के ग्रामीण दौड़कर आए और आग पर काबू पाने का अथक प्रयास करने लगे। काफी प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक पुंज में लगी सारी पुआल जलकर स्वाहा हो गया। सूचना मिलने पर पंचायत के मुखिया सूर्यदेव सिंह घटना स्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त करते हुए सरकारी स्तर पर हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। घटना के बाद पीड़ित परिवार का रो रोकर बुरा हाल देखा गया। एक बजे लमसम में आग लगा है। कैसे लगाई है? एक कोई बच्चा लगा दिया, हम लोग तो नहीं देख सके। वही आप ही का टल था? हाँ, मेरा टल। कितना होगा पुआल इसमें? 50,000 नरुआ था। अमरपुर थाना क्षेत्र के गंगापुर गड़ेल गांव स्थित विंद टोला में खाना बनाने के दौरान लगी आग में दो घर जलकर राख हो गया। इस आग लगी की घटना में दोनों घरों में लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार गंगापुर गड़ेल गांव स्थित विंद टोला में गृहिणी खाना बनाने के बाद अपने अपने घरों में सोने चले गए। इसी दौरान जट्टू मंडल के घर से धुआं उठने लगा। जब तक ग्रामीण कुछ समझ पाते आग रौद्र रूप धारण करते हुए बगल के भूमेश्वर मंडल के घर को अपने चपेट में ले लिया। इस दौरान ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक जट्टू मंडल के घर में रखी बाइक, अनाज, कीमती कपड़े, खाट, बिछावन आदि जलकर राख हो गई, जबकि भूमेश्वर मंडल के घर में रखी धान, गेहूं, अनाज व एक भैंस जल गई। हालांकि ग्रामीणों के प्रयासों से भैंस को बचा लिया गया, लेकिन भैंस आधी जल चुकी थी। आग लगी की घटना के बाद पीड़ित परिवारों को रो रोकर बुरा हाल देखा गया। वहीं सूचना मिलने पर भदेरिया पंचायत के समाज सेवी सह युवा नेता प्रशांत कुमार कापरी घटनास्थल पर पहुंचकर तत्काल पीड़ित दोनों परिवारों को 2100 की राशि देते हुए सीओ से मिलकर हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मौके पर समाज सेवी ने बताया कि आग लगी की घटना में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। बाइक जर गया, भैंस देखे वहाँ पर भाग के गया, ऐसा लगले 12 बजे रात में आग लगले, नहीं जाना पर ये सूती दूसरे हल्ला कर रात हम जाने। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड कृषि कार्यालय में हर खेत सिंचाई योजना के तहत किसानों एवं किसान सलाहकार के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सीओ सतीश चंद्र ने किया। बैठक में मुख्य रूप से नोडल पदाधिकारी सह सहायक अभियंता उमेश कुमार उपस्थित हुए। बैठक में हर खेत सिंचाई योजना के तहत जल संचय पर विस्तार से चर्चा की गई एवं पंचायत के उन खेतों जहां सिंचाई का साधन नहीं है उन खेतों को सर्वे करते हुए तत्काल उनकी सूची कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया, ताकि वैसे खेतों में जल संचय करने की व्यवस्था की जा सके। मौके पर सिंचाई प्रमंडल बांका के सहायक अभियंता उमेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में हर खेत सिंचाई योजना है और किसानों को सिंचाई में हो रही परेशानियों को देखते हुए जल संचय करने का विशेष ध्यान दी जा रही है, जिसमें बिजली विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु सिंचाई विभाग, आत्मा एवं कृषि पदाधिकारियों को जल संचय कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इन्होंने मौजूद किसान सलाहकारों को प्रखंड के सभी पंचायतों में अवस्थित खेतों को सर्वे करने का निर्देश दिया, ताकि जहां सिंचाई का साधन नहीं हो वहां जल संचय की जा सके। साथ ही सभी किसानों को जल संचय कराने के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर बिजली विभाग के कनीय अभियंता अभिषेक कुमार पासवान, आत्मा अध्यक्ष अरुण राय, विमल कुमार सिंह, किसान सलाहकार मुरारी कुमार, मिथिलेश पंचारा, नवनीतेश कुमार, नवल कुमार, विक्रम सिंह, जयराम चौधरी, किशन कुमार समेत सभी सलाहकार व कार्यालय कर्मी उपस्थित थे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।